हमारा युगों युगों का इतिहास इस बात का साक्षी है। दुनिया जब अंधकार से दौर से और गहरे दौर में थी, महिलाओं को लेकर पुरानी सोच में जकड़ी थी, तब भारत मातृशक्ति की पूजा देवी के रूप में करता था। हमारे यहां गार्गी, मैत्रेयी, अनसुया, अरुंधति और मदालसा जैसी विदुषियां समाज को ज्ञान देती थी। कठिनाइयों से भरे मध्यकाल में भी इस देश में पन्ना घाय और मीराबाई जैसी महान नारियां हुई और अमृत महोत्सव में देश जिन स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को याद कर रहा है, उसमें भी कितनी ही महिलाओं ने अपने बलिदान दिए हैं। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, मतंगिनी हाजरा, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना जलकारी बाई, वहां से लेकर सामाजिक क्षेत्र में अहल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले, इन देवियों ने भारत की पहचान बनाए रखी। आज देश लाखों स्वाधीनता सेनानियों के साथ आजादी के लड़ाई में नारी शक्ति के इस योगदान को याद कर रहा है और उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। और इसलिए आज सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले का बेटियों का सपना पूरा हो रहा है। अब देश की कोई भी बेटी राष्ट्र रक्षा के लिए सेना में जाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उठा सकती है। महिलाओं का जीवन और कैरियर दोनों एक साथ चले, इसके लिए मातृ अवकाश को बढ़ाने जैसे फैसले भी किए गए हैं। देश के लोकतंत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। 2019 के चुनाव में हमने देखा कि किस तरह पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। आज देश की सरकार में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां महिला मंत्री संभाल रही हैं और सबसे ज्यादा गर्व की बात है कि अब समाज इस बदलाव का नेतृत्व खुद कर रहा है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी सफलता से वर्षों बाद देश में स्त्री पुरुष का अनुपात भी बेहतर हुआ है। ये बदलाव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नया भारत कैसा होगा, कितना सामर्थ्यशाली होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।